Welcome to Captain IT Friends. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो जेट का पेपर हुआ था आज, उसकी एग्रीकल्चर के आंसर की तो मैंने पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दी है, और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के आंसर की। दोस्तों, आज क्या है, मतलब शादियों वाला माहौल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा साउंड बज रहा है आसपास, तो उसकी वजह से आंसर की में थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी आपको सारी आंसर की मिल जाएगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, इस आंसर की में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वैसे तो मैं आप सबको एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे बायो के आंसर की मैंने यहाँ पे बना दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्पगंधा पादप का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है। अब जो सर्पगंधा जो पादप है, इसका नाम सर्पगंधा क्यों रखा गया, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सांप या बिच्छू काट लेता है, तो जो दवाई बनाई जाती है वो इस पादप से बनाई जाती है। इस पादप की औषधि जो होती है उससे लगा दिया जाता है, तो थोड़ा उसका जहर नहीं चढ़ता है। तो सर्पगंधा पादप का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है, तना, मूल, पर्ण, फल। तो दोस्तों, वो है मूल। क्या है? मूल, रूट, रूट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का वेदन कर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम है। तो दोस्तों, वो एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। कौन सा है? हाइलुरोनिडेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अल नीनो प्रभाव नहीं देखा जाता है हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों, आर्कटिक महासागर में नहीं देखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, प्रोटीन एवं स्वस्थ वसा युक्त फसल पैदावार को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पार प्रजनन, बायोफर्टिफिकेशन। तो दोस्तों, उसको बोला जाता है बायोफर्टिफिकेशन। क्या बोला जाता है? बायोफर्टिफिकेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत है, जो जैव उर्वरक होते हैं बायोफर्टिलाइजर्स, उनका मुख्य स्रोत क्या है, या फिर वो किससे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, बनाए जाते हैं जीवाणु, सेवाल और साइनोबैक्टीरिया से। किससे बनाए जाते हैं? जीवाणु, सेवाल, साइनोबैक्टीरिया। बहुत सारी बुक्स होगी जिनमें आपको जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जीवाणु, सेवाल और साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र पीत की अंडे निम्न के अभिलक्षण हैं, एविज, यूथीरियन, स्तनधारी, कीट, रेप्टिलिया। दोस्तों, केंद्र पीत की जो अंडे हैं, ये अभिलक्षण है किसका? कीट का, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस क्रिया द्वारा पादपों में चूषण बल बनाकर रसारोहण करना होता है, प्रकाश संश्लेषण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण। तो दोस्तों, उसको बोला जाता है अवशोषण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रासायनिक कीटनाशक की विषाक्तता मापने के लिए परिरक्षण प्रजाति के लिए उसकी निर्धारण करना आवश्यक है। तो दोस्तों, उसका निर्धारण करना, जो यहाँ स्पेस दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, इसमें आएगा मीडियम लीथल डोज LD50। दोस्तों, LD का मतलब है लीथल डोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आणविक कैंची कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। किसको कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। अगला क्वेश्चन है, बैंगन का लघुपर्णी रोग है जीवाणविक पादप रोग, विषाणु पादप रोग, माइक्रोप्लाज्मीय पादप रोग, कवकीय रोग। तो दोस्तों, वो रोग है माइक्रोप्लाज्मीय पादप रोग। अगला क्वेश्चन है, संयुग्म पहचानिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऑक्सिन शीर्ष कलिका प्रभाविता। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये कहाँ पर होता है? टिप पर होता है। कहाँ पर होता है? टिप। और टिप क्या होता है? सबसे जैसे कोई शाखा है तो इसके यहाँ पर, ये वाला टिप। तो ऑक्सिन शीर्ष कलिका प्रभाविता हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधिक लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? मधु उत्पादन में, परागण द्वारा कृषि उत्पादन में, बीज वैक्स उत्पादन में, रोजगार अवसर में। तो दोस्तों, मधुमक्खी पालन जो है बहुत अधिक लाभदायक है परागण द्वारा कृषि उत्पादन में, परागण के द्वारा कृषि उत्पादन करने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक है? ऑप्शन है थायोबेंडाजोल, एम्पिसिलीन, पेनिसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
अगला क्वेश्चन है, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में नंबर का पिरामिड सदैव रहता है। जो परजीवी की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें नंबर का पिरामिड कैसा रहता है, सीधा, उल्टा, झुका हुआ, श्रेतिज? तो दोस्तों वो रहता है इन्वर्टेड, उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है सदाबहार, मानसूनी, शुष्क, डेल्टाई। तो दोस्तों राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे का वानस्पतिक नाम रिसिनस क्यूमिनस है, अरंडी, केला, आलू, ज्वार। तो दोस्तों अरंडी का बोटनिकल नेम है रिसिनस क्यूमिनस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पादप उत्तक संवर्धन के लिए कीटाणुहीन वातावरण प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लेमिनर वायु प्रवाह बेंच का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से निम्न की उपस्थिति में भिन्न होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक जोड़ी एनल साइड्स, क्या होता है उसमें, एक जोड़ी एनल साइड्स होते हैं। और अगर देखा जाए तो दोस्तों जो नर कॉकरोच होता है उसके जो लेग होते हैं वो भी बड़े होते हैं किससे, मादा कॉकरोच से। तो यहाँ पर बड़ा आकार जो दे रखा है ये नहीं लगाना है, अगर पैरों वाला होता, लेग वाला होता तो आप लगा देते कि लेग बड़े होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एक जोड़ी एनल साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिलेंट्रेटा की विशेष दंश कोशिकाओं को कहते हैं। तो दोस्तों उनको बोला जाता है कॉयनोसाइट, क्या बोला जाता है, कॉयनोसाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, खफरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनिरियम के जीवन चक्र की वह अवस्था जो अनाज को हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों वह अवस्था है लार्वा अवस्था, कौन सी अवस्था, लार्वा अवस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, बाजरे का हरित बाली रोग का कारणात्मक सजीव है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्केलोरो स्पोरा ग्रामिनियोकोला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, केंचवे में टिफ्लोसोल इस खंड के पश्चात विस्तारित होती है। तो दोस्तों 26वें खंड के पश्चात, किसके पश्चात, 26वें खंड के पश्चात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है, हरी पत्तीदार सब्जियां, खट्टे फल, मेवे, इष्ट व यकृत। तो दोस्तों किससे, इष्ट व यकृत से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम चिकित्सीय उत्पाद है। तो दोस्तों वह है मानव इंसुलिन, क्या है, मानव इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आरएनए का मुख्य भाग इनमें पाया जाता है। ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, कोशिकीय राइबोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आरएनए का मुख्य भाग पाया जाता है कोशिकीय राइबोसोम में, किसमें, राइबोसोम में। और राइबोसोम क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्राणी जगत का वर्गीकरण लिम्ब लक्षणों पर आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, संगठन स्तर व सममिति देहगुहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मोटा अनाज किस में इस कुल की होती है, जो मोटे अनाज वाली जो मतलब क्रॉप्स होती हैं, मिलेट्स जो क्रॉप्स होती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो दोस्तों वो फैमिली से बिलोंग करती है पोएसी, कौन सी, पोएसी। अगला क्वेश्चन है, रोगजनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोग कहलाते हैं। तो दोस्तों रोगजनकों द्वारा जो उत्पन्न पादप रोग होते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं, कौन से रोग, संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित बीटी आविष स्वयं जीवाणुओं को नहीं मारता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आविष निष्क्रिय होता है, क्या होता है, आविष निष्क्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, उभयचरों के अभिलक्षण होते हैं। तो दोस्तों उभयचरों के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं नम व ग्रंथिल युक्त त्वचा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन है डी राइट। अगला क्वेश्चन है 32, इच माइट जो मानव में परजीवी होता है वह इसके बीज का कारक होता है, इस जाति का होता है। तो दोस्तों होता है सार्कोटिप्स का, किसका होता है, सार्कोटिप्स का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी कीट नियंत्रण की विधि है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्ण क्रियात्मक, पर्यावरण की दृष्टि से मतलब पर्यावरण को सुरक्षित इस कीट को नियंत्रण भी कर सके और पर्यावरण को कोई नुकसान भी न पहुंचे, तो दोस्तों वो विधि है कृष्ण क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्विनिषेचन होता है नर युग्मक का अंड कोशिका में संलयन, युग्मक संलयन व त्रिसंलयन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है युग्मक संलयन व त्रिसंलयन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं है। तो दोस्तों कैप्सुलीकरण, कौन सी, कैप्सुलीकरण। अगला क्वेश्चन है, आवर्त बीजियों की अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आवर्त बीजियों की अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल निकास में उत्सर्जित विषैली गैसों को कम करता है। तो दोस्तों कैटेलिटिक कन्वर्टर का, किसका, कैटेलिटिक कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक है। तो दोस्तों है कैल्शियम 2+ आयन, कौन सा,
कैल्शियम 2+ आयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, नरजनन तंत्र में नरलिंग हार्मोन के स्रावण का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। तो दोस्तों नरजनन तंत्र में नरलिंग हार्मोन का स्रावण का नियंत्रण होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से। किससे? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जेंटोमोनास कंपेसिट्रिस पौध रोग का कारण बनता है। गेहूं के कीट, सिट्रस कैंकर, चूर्णिल आसिता, तिल पर्णावता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिट्रस कैंकर, जो नींबू में होता है। किसमें होता है? नींबू में होता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर बायो की भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना दी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता दें। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी केमिस्ट्री के आंसर की। और आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने अपने पेपर में टिक भी कर लिए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें। जिन्होंने भी जेट का एग्जाम दिया है उन सबको आप इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।